नमस्ते बच्चों, हमने अगला क्लास स्वच्छता के बारे में अजय के मोहल्ले की सफाई करने के लिए अध्यापक गए हैं उधर पहुंचे थे और यह इकाई मैंने अधूरा वहां छोड़ दिया था। स्वच्छता के बारे में जागरूकता रखने हमारा कर्तव्य, हमारी फर्ज है। तो पाठशाला के अध्यापक और बच्चे हैं वह अजय के मोहल्ले के पास जाकर सफाई करने का प्रारंभ करने लगे। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। रविवार का दिन था, स्कूल पाठशाला में रजा थी, तो उस दिन सब बच्चे और अध्यापक ने सोचा कि चलो हम अजय के मोहल्ले की सफाई करेंगे। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सब बच्चे के हाथ में एक एक टोकरी दे दी अध्यापक ने और झाड़ू हाथ में ले लिए। सडन झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा कर दिया। देखो चित्र में आप भी देखते हैं कि अध्यापक भी कार्य कर रहा है और बच्चे भी सफाई काम में लगे हुए हैं। लड़का है वह भी टोकरी उठाकर कूड़ेदान में कूड़ा डालने के लिए जाते हैं। तो बच्चे को देखकर, अध्यापक को देखकर ये सारे गांव के या शहरी मोहल्ले के जो लोग रहते थे उनको भी अच्छा लगने लगा। कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता भी बना दिया। नाली में जहाँ ऐसे भी कूड़ा भरा रहता था उसने उसमें भी सफाई कर दी। और क्या किया, सब बच्चे और अध्यापक मिलकर मोहल्ले की सफाई करने लगे। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाले जो दवा आती है वह डाल दी गई, यानी गंदगी भी नहीं फैलेगी। कूड़ेदान पर ढक्कन भी रख दिया। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चे और अध्यापक जो सफाई कर रहे थे उनको देखकर मोहल्ले के लोग हैं वह बाहर देखने के लिए आ गए। देखो हमारा मोहल्ला है और ये बच्चे और अध्यापक सफाई कर रहे हैं। तो बच्चों में बहुत उत्साह था। हाँ, उत्साह के बिना कोई कार्य हम नहीं संभाल सकते, हम नहीं कर सकते। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। सब बच्चे और अध्यापक मिलकर पूरे मोहल्ले की सफाई कर दी। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। अब अध्यापक ने पूरे मोहल्ले वाले जो बहनें थी भाई थे उनको समझाया। क्या समझाया, कि आप कूड़ेदान में ही कूड़ा डाल देना, वे घर के आसपास सफाई रखे क्योंकि गंदगी से रोग फैलता है। तो गंदगी से ये रोग फैलते हैं, इसलिए उसने क्या कहा कि आप अपना जो कूड़ा है वह कूड़ेदान में ही डालना। उन्होंने कहा कि मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। अध्यापक ने ऐसा बता दिया। क्या बताया, कि मेरे जो बच्चे पाठशाला में पढ़ाई करते हैं ना, सप्ताह में यानी 7 दिन में एक बार आपके मोहल्ले की सफाई करने के लिए आ जाएंगे और आप भी मदद करना। तो इन बात को सुनकर मोहल्ले वाले को भी अच्छा लगा होगा कि बच्चे सफाई करने के लिए आए, इनसे तो हम ही सफाई करेंगे, या तो हम ही कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे या तो हमारे मोहल्ले के हम साफ रखेंगे। तो एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो उनको भी शर्माने लगी। क्या कहा, नहीं नहीं, बच्चों को सफाई करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। देखो उनको भी अब तो शर्म आई, वह भी कहने लगा, नहीं हम हमारे मोहल्ले को सफाई करेंगे या तो साफ ही रखेंगे, अब आप इन्हें हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। क्या कहा, अध्यापक बच्चे अब तो हम हमारे हाथ से ही ये सारी सफाई करते रहेंगे, हमारे मोहल्ले को हम स्वच्छता ही रखेंगे, अब हम कूड़ेदान में ही कूड़ा डालेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से स्वच्छता वाला इकाई के हमें बहुत अच्छा लगा। हम हमारे घर में, हमारे आंगन में हमारा शरीर स्वच्छ रखेंगे, ये स्वच्छता वाला इकाई पढ़ा।
ये इकाई अच्छा लगा होगा, आप भी उनको दो बार पढ़ लेना और उसमें दिए गए जो बच्चों ने सीखे कि हमारे घर की हमारे शरीर की स्वच्छता हम खुद रखेंगे तब भी हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य स्वच्छ बन जाएगा। भारत सरकार ने भी अभी ऐसे ऐसे स्वच्छता के लिए घर घर पर जाकर संदेशा दिया है, पहले हमारे घर को स्वच्छ रखना चाहिए। तो बच्चों आप इस इकाई के पढ़ने के बाद हमारे अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं वह हम अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगी कि आप अपनी पाठशाला में किन किन चीजों की सफाई रखते हैं। आप अपनी पाठशाला में जब पढ़ाई करने के लिए स्कूल आते हैं, पाठशाला में आते हैं, तब किन किन चीजों की सफाई रखते हैं? तो बच्चे कहते हैं कि हाँ, हम हमारे पाठशाला में जब आते हैं तो हमारा वर्ग, हमारा वर्ग खंड, हमारा मैदान, हमारे जो बगीचे हैं तो बगीचे और ब्लैक बोर्ड जो हम पढ़ते हैं उनकी सफाई रखते हैं। प्रश्न दूसरा है, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो आपको पता है कि गंदगी से कौन कौन सी बीमारी फैल जाती है? तो गंदगी से हमें मलेरिया, डायरिया, डेंगू, टाइफॉइड, कोलेरा, हैजा इत्यादि यानी आदि बीमारियां फैल जाती है, इसलिए गंदगी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है कि सफाई के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है? तो सफाई के लिए झाड़ू, टोकरी, फड़का और पानी आदि का उपयोग करने के बाद सफाई हो जाती है। चौथा प्रश्न है, पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई काम करते हैं? तो पाठशाला के अलावा हम घर, हमारे मोहल्ले, हमारे बगीचे रहते हैं तो बगीचे में, ये सारी जगह पर सफाई करने लगते हैं। तो अभ्यास के सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अब स्वाध्याय के जो प्रश्न है वह आप इकाई पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो आपकी कॉपी में आपको ये स्वाध्याय के जो प्रश्न है वह 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों पांच प्रश्नों के जवाब आपको पाठ्यपुस्तक पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो आप इनका पढ़ाई करके लिख लेना। प्रश्न दूसरा जो है स्वाध्याय का, के नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो शब्द दिए गए हैं उनका आपको वाक्य में प्रयोग कर लेना। एक उदाहरण दिया गया है, सुंदर, तो बाग में सुंदर फूल खिले हैं, तो वैसे ही शब्द दिए गए हैं अच्छा, कोमल, लाल, सफेद, उनके आप शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके लिख लेना। अब अंगों का नाम दिया गया है और सामने उनका कार्य क्या है, वह क्रिया कैसी है वह दिया गया है, तो उनको आप में जोड़कर बता देती हूँ। क्या है? पहला है, तो कान से क्या किया जाता है? तो कान से गाना सुनते हैं। कान से हम क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। फिर आंख से, तो आंख से हम फिल्म देखते हैं। फिर नाक से, तो नाक से क्या करते हैं? फूल सूंघते हैं। क्या करते हैं? फूल सूंघते हैं। फिर पैर से, तो पैर से हम क्या करते हैं? चलते हैं। फिर हाथों से, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, खेलते हैं। फिर दांतों से, तो दांतों से क्या करते हैं? हम खाना चबाते हैं। फिर मुंह से, तो मुंह से हम क्या करते हैं? खाना चबाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये क्रियाएं हम करते हैं वह आपको ऐसे ही कॉपी में सामने सामने लिख लेना, यानो अंगों से जोड़ देना। फिर ब प्रश्न दिया गया, सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए, वह आप पढ़ाई कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्वच्छता वाला जो पाठ है उसमें चित्र भी बहुत अच्छे तरह से दिए गए हैं और एक प्रश्न पांचवा है उसमें दिया गया है कि मेरा गांव, उनके बारे में चर्चा कीजिए या तो मेरी दी
दिनचर्या, ये दोनों के बारे में चर्चा कीजिए। तो दिनचर्या यानी दिन में जो हम कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनको क्या किया जाता है? दिनचर्या। और चर्चा करने के बाद अपने अपने मित्र के साथ दिनचर्या की चर्चा घर में कर लेना। अपने कोई पड़ोस में रहते अपने मित्र हैं, पाठशाला में पढ़ते हुए मित्र कोई हमारे आजूबाजू आसपास में रहते हैं, तो उनके साथ हमारी दिनचर्या की बातें बताना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। फिर मेरा गांव, गांव में रहते हैं तो गांव, शहर में रहते हैं तो मोहल्ला, उनके बारे में चर्चा करना और हमारे आसपास में स्वच्छता रखना। कहीं ऐसे कूड़ेदान में ही जाते हैं तो कूड़ेदान में ही कचरा डाल देना, कोई बच्चे ऐसे कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते तो उनको भी बताना कि ये कचरा है ये कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, कूड़ा है कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ पाठशाला में आने वाले, लड़का है या लड़की है, उनको भी हमें समझ देनी चाहिए। तो ये स्वच्छता वाला पाठ आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इनके जो चर्चा करने का जो विषय दो दिया गया, मेरा गांव मेरी दिनचर्या, उनको भी आप अपने आप आसपास में रहने वाले मित्र के साथ चर्चा कर लेना। इनके जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वह आपकी कॉपी में लिख लेना। अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं वे मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, या आप एक बार दो बार इकाई पढ़ लोगे, पाठ को पढ़ लोगे, तो आपको सब के सब प्रश्न हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब हम जब मिलेंगे तो अगला जो हमारा काव्य है उनको पढ़ेंगे। आओ जी।